हेलो दोस्तों, कृषि जागरण चैनल के माध्यम से मैं किरण कुमारी, किसान पत्रकार जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आज मैं दोस्तों आपको ऐसे किसान से मिलाने जा रही हूं जिन्होंने अपनी ज़मीन में औषधीय गुणों से भरपूर पौधा जिसका नाम है अश्वगंधा जो वो उन्होंने तैयार किया हुआ है। तो आओ उन किसान से जो है वो उस पौधे के बारे में जो है वो हम जानकारी उनसे लेते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, तो आपने अपनी ज़मीन में जो ये अश्वगंधा का पौधा जो है वो तैयार किया हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी जो है वो दें जी, थोड़ी। मेरा नाम संजीवन पटियाला है और हाँ मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिले का रहने वाला हूँ। हाँ जी। तो मैंने खेती बाड़ी के साथ जो है आयुर्वेदिक पौधे भी लगाए हैं। जी हाँ जी। तो जिनमें से एक अश्वगंधा भी है। ये देखिए दोस्तों, अश्वगंधा के पौधे मेरे जो है वो 3-4 तैयार हो गए हैं जी, जो अच्छे चले हुए हैं जी जी। इनका जो है जो मतलब इनकी जो जड़ होती है या जिसके पत्ते होते हैं बीज होते हैं इनको ना पीस कर हम चूर्ण भी बना लेते हैं। हाँ जी। जो मतलब शुगर के लिए भी ठीक होता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है जी जी। हाँ जी, ये देखिए दोस्तों ये अश्वगंधा का पौधा, ये देखिए ये इसके बीज जो हैं वो ये देखिए तैयार हो रहे हैं अश्वगंधा के, ये देखिए हाँ जी। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। मतलब ये औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है जी। हाँ जी। इसको आप मतलब ये जो इसकी डंडियाँ होती हैं इसका चूर्ण बना के पत्तों का भी यूज़ होता है ना, आप खा सकते हैं खाली पेट। हाँ जी। बीज का यूज होता है, पत्तों का, डालियाँ ये। हाँ जी। इनको भी आप मतलब चूर्ण बना के शहद के साथ भी ले सकते हैं। हाँ जी। अगर आपने चाय काढ़ू बनाना हो उसमें भी डाल सकते हैं जी जी। तो ये मतलब दवाई की तरह प्रयोग होता है और इससे ना मतलब इम्यूनिटी जो क्या मांगू मैं तुमसे भो। हाँ जी, ये देखिए दोस्तों औषधीय गुणों से भरपूर पौधा जो इन्होंने अपनी ज़मीन में जो है वो तैयार किया हुआ है। अच्छा, इसमें आप कोई दवाई वगैरह केमिकल वगैरह तो नहीं यूज़ करते नहीं। हैं जब ये लगाया था तभी हमने केंचुआ खाद डाली थी। हाँ जी। उसके बाद इसमें कोई दवाई वगैरह या कुछ नहीं प्रयोग किया। अच्छा अच्छा, जैविक तरीके से तैयार किया है इसको ना। जैविक तरीके से तैयार किया है। ये देखो इसके बीज ऐसे होते हैं, ये देखिए दोस्तों ये इसके बीज है। अगर आप मार्केट में तैयार हो जाएंगे तो ये देखिए ऐसा कलर जो है वो आता है इनमें, ये देखिए। ये जो आप अगर आपने लेना भी हो तो पंसारियों के पास जो है वो मिल जाता है जी जी। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।